Oil shots? Oil shots? Oil shots? Oil shots. Anyone? कमाल है शार्क्स, आप लोग बहुत ही disgusted सा expression दे रहे हैं ये oil shots देख करके। आज तक जब ये सारी फ्राइड चिप्स की कंपनियां इतना ही तेल डाल करके अपने पैकेट्स में चिप्स बेच रही थी, हम सब बहुत मजे से खा रहे थे। इट्स ओके, हम भी बहुत डिस्गस्टेड जब हमने देखा कि पूरा इंडियन मार्केट सिर्फ फ्लडेड है बहुत ही अनहेल्दी फ्राइड और जंक स्नैक्स के साथ। ठीक उसी दिन शार्क्स डिसाइड कर लिया कि आज के बाद किसी भी यंग इंडियन कंज्यूमर को ये फ्राइड पोटेटो चिप्स खाने की जरूरत तो नहीं महसूस होनी चाहिए। एंड दैट इज हाउ लेडीज एंड जेंटलमैन टैग्स वॉज बॉर्न। आई एम आनिश एंड आई एम सागर एंड वी आर द फाउंडर्स ऑफ दिस अर्बन जेन ज़ी स्नैक ब्रांड कॉल्ड टैग्स। आज से 1.5 साल पहले हमने अपना पहला प्रोडक्ट रेंज इंडिया में पहली बार लॉन्च किया, पॉप्ड पोटेटो चिप्स विद 50% लेस फैट। पॉपिंग एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर का यूज किया जाता है, इसलिए हमारे चिप्स 50% लेस हैं फैट में, बट देर इज नो कोलेस्ट्रॉल, नो ट्रांस फैट, ग्लूटेन, पाम ऑयल, आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, एनीथिंग लाइक दैट। और इसे 100% इंडिया में बनाने वाले हम पहले ब्रांड हैं। एक ब्रांड बनाना आसान काम नहीं है। जब आप शुरू करते हैं तब शायद आपके पास सिर्फ एक आइडिया होता है और एक जज्बा होता है। आज आप हमारी ये वेयरहाउस में हैं जहां आप हजारों कार्टन्स देख सकते हैं, लेकिन शायद हमने पहली बार अपनी फैक्ट्री से जब एक गाड़ी निकाली और वो गाड़ी पहली बार एक ट्रक में भर करके हमारे वेयरहाउस में आई, तो आज भी मुझे याद है उस ट्रक में 470 कार्टन थे और वो 470 कार्टन को सिंगल हैंडेडली अनलोड किया था मैंने, मेरे को फाउंडर सागर ने और हमारी छोटी सी 2-3 लोग की जो टीम थी। और तब शायद हमें रियलाइज हुआ कि ये जर्नी आसान नहीं है। ये जर्नी में आपको बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आपसे गलतियां भी होती हैं, आप शायद 10 चीज़ें ट्राई करते हैं उसमें से एक चीज़ सक्सेसफुल होती है, लेकिन निराशा शुड नॉट पुट यू बैक। तो दिल में बस एक ये तमन्ना है कि एज अ ब्रांड एक ऐसे मकाम पे पहुंच सके जहां पर अक्रॉस द वर्ल्ड लोग बोले कि इंडिया जा रहे हो ना, गेट मी सम टैग्स, वी आर हमारे ये जो पॉप चिप्स है ना, ये 6 बहुत ही लिप स्मैकिंग फ्लेवर्स में हम बनाते हैं और इसके साथ में 4 फ्लेवर्स ऑफ इंटरनेशनल गुरमे डिप्स भी बनाते हैं। हम 30 से भी ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक हमारी वेबसाइट, Amazon, बिग बास्केट एटसेट्रा और 2000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स में अवेलेबल है। तो ये फिट स्नैकिंग की आग तो हमने लगा दी है। नाउ शार्क्स, यू कैन फ्यूल दिस फायर बाय इन्वेस्टिंग इन आवर मिशन। और इसीलिए हम रेज कर रहे हैं यहाँ पर 70 लाख रुपए फॉर अ 1% स्टेक इन द कंपनी। इफ यू आर ओके, वुड लव टू सर्व यू सम ऑफ आवर स्नैकिंग एक्सपीरियंसेस। एब्सोल्युटली, पूरी दुकान ले आओ यार। Love the dips. एक विराट कोहली ने भी एक ब्रांड स्टार्ट किया था ना, वो भी तो सेम है, नॉट उसका वो जो आपने लिखा है डेमर फ्राइड नॉट बेक्ड, तो उसने भी ऐसे ही बोला है नॉट फ्राइड बट बेक्ड। This is popped, so this is not fried, not baked, not air fried, not vacuum fried, or any of those things that you have heard. This is a completely new because the machinery is also not available in India. लेकिन customer को ये बातें समझ में आती है, customer को तो ये चाहिए, अच्छी चीज खाने में मजा आए और health के लिए भी अच्छी हो। अभी आप उसको पॉप करें कि बेक करें कि हवा में लटकाएं या कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है? 100% with you. Okay. और यही शायद सबसे बड़ा कारण है कि जब हमने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, हमने बहुत ज्यादा पॉप का बखान नहीं किया। पहले ये मार्केट का टेस्ट करते हैं, यहाँ पर कौन है, कितने लोग कॉन्शियस है हेल्थ फूड। आप अश्नीर भाई, अगर बटर चिकन हेल्दी है तो मैं हेल्दी हूँ। एक ना एक दिन हेल्दी बटर चिकन भी बनाएंगे। आप जैसे बटर चिकन फ्लेवर्ड चिप्स फॉर अमन। हम एक ऐसे मार्केट को केटर कर रहे हैं, ओके, जो शायद सबसे एब्सोल्यूट हेल्दी चीज को नहीं ढूंढ रहा है। ओके, हम एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसको आज जो इंसान फ्राइड चिप्स से मुक्ति चाहता है, राइट, लेकिन रोक नहीं पा रहा है, हम उसके लिए अपना प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो मार्केट साइज रिलेटिवली काफी बड़ा है। ये अच्छी पोजीशनिंग है। मेरे को ये बता दो आपका बिजनेस क्या हुआ अभी? श्योर, सो आज करीब 7 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू रेट है हमारा। पिछले साल
पिछले साल करीब टोटल रेवेन्यू में बता रहा हूँ, वुड हैव बीन अराउंड 7 करोड़। आपकी वेबसाइट पे आपकी 7 करोड़ की सेल में से करीब 40% अपनी वेबसाइट पे, करेक्ट 66% ओवरऑल ऑफ आवर सेल्स इज ऑनलाइन। बट इसका कारण ये है कि आपने ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस किया है और ऑफलाइन का चैनल बनाया नहीं अभी तक? नहीं अश्नीर, एक्चुअली उल्टा है। सो ओरिजिनली हम बहुत ही ऑफलाइन फोकस थे क्योंकि मैंने 15 साल ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन किया है अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस एशिया। बट आई थिंक ये लॉकडाउन ने ऑफलाइन की काया पलट करके रख दी है। ऑफलाइन में क्या इंस्टेबिलिटी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मेरे तो क्यूआर लगे हैं दुकानों पे, इतना माल बिक रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सी दुनिया में आप रह रहे हो अगर आपको लग रहा है कि ऑफलाइन में इंस्टेबिलिटी है। या तो आपको ऑफलाइन करना नहीं आता, जहां बिक रहा है मैं वहां बेच रहा हूं, वो ऑनेस्ट आंसर है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि दुकानों में माल नहीं बिक रहा है, आपका नहीं बिक रहा होगा, पूरी दुनिया का माल बिक रहा है। अश्नीर, वो ऑनलाइन करने की वजह से एक बहुत बढ़िया चीज और हो रही है। आज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स है ऐजवाल में, शिलोंग में, पठानकोट में, नेल्लोर में, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए क्यों? 7 करोड़ रुपए का चिप्स तो साउथ दिल्ली में बिक जाएगा। अश्नीर, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसमें। उनने टीवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमारा ऐड देखा, वो हमें पैसे ट्रांसफर करते हैं, हम उन्हें माल भेजते हैं और वो वहाँ अपना धंधा बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये मार्केट बहुत टफ मार्केट है, आपको भी पता है ना? एब्सोल्युटली। आपको यहाँ चैलेंजेस क्या लगते हैं सबसे ज्यादा? सबसे पहले मुझे लगता है कि इस बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन डिफेंड करना और बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो ग्रॉस मार्जिन का मतलब है हर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जब आप बेचते हैं तो आपकी जेब में कितना बचता है। मतलब अगर आपने 100 रुपए की एक प्रोडक्ट बेची और आपको उसको बनाने में 40 रुपए लगे, तो मतलब 60 रुपए आपकी जेब में बचे हर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को बेचते टाइम। इसका मतलब ये है कि आपका ग्रॉस मार्जिन हुआ 60 divided by 100, which is 60% ग्रॉस मार्जिन। हमारा नेट सेल अगर आप देखेंगे, हम 32.5 रुपए में बेचते हैं, हम बनाते शायद इसको 17 रुपए पर है, राइट? सो बीच का जो मार्जिन है उससे कंपनी चलानी है, सैलरीज है, मार्केटिंग ओवरहेड्स हैं। तो ग्रॉस मार्जिन आपका 45% हुआ? 46%। 46% ऑन द 50 रुपी पैक। एवरेज ग्रॉस मार्जिन बताइए ना सर। 48% 48% ग्रॉस मार्जिन। आपके ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं? हाँ जी। कौन है? सो हम एक सीड राउंड और एक प्री सीरीज राउंड ऑलरेडी रेज कर चुके हैं। क्या-क्या वैल्यूएशन और क्या रेट? So, हमने पिछला राउंड जब हम 2 करोड़ का ARR कर रहे थे, हमने अपना पी सीरीज राउंड क्लोज किया था 4 करोड़ का, वो 20 करोड़ के वैल्यूएशन पर था। एक चीज बताओ, आप लोगों ने वैल्यूएशन की 70 करोड़ क्यों मांग ली? मेरे को उसका कॉन्सेप्ट बताओ। जस्ट बिकॉज आपको पता है यहाँ नेगोशिएशन होगी, क्योंकि एक ना थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल भी होता है कि आप दूसरे को बोलो 1% ले लो, तो आप ग्रीडी हो। सो हमने बहुत ईमानदारी के साथ और शायद बैकएंड गणित के साथ ही ये नंबर रखा है। अभी से 3 साल बाद की अगर मैं बात करूँ, सो आप टैग्स को सिर्फ एक पॉप चिप्स की कंपनी की तरह नहीं देखेंगे, हम चिप्स, डिप्स, चॉकलेट्स और कुकीज, ये चारों जो सबसे मेन स्ट्रीम इंडलजेंट कैटेगरीज हैं, इन 4 कैटेगरीज को बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ डिसरप्ट करने वाले हैं। इट विल बी अ स्टेबल, इट विल बी एन अम्ब्रेला ऑफ ब्रांड्स टॉकिंग टू द सेम TG। हाँ, लेकिन हम प्रोडक्ट्स और कैटेगरी शायद वही करेंगे जो सेम सप्लाई चेन पर चल सके। मुझे आप दोनों बहुत पसंद आए, आई लव योर प्रोडक्ट, मुझे खा के बड़ा मजा आया, मुझे लग रहा है काम काफी है अभी इसमें। ऑनलाइन आप कैसे स्केल करोगे इसको 100 करोड़ के बिजनेस में, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और आपका वैल्यूएशन जो 70 करोड़ का है वो भी मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आई एम सॉरी, मैं आज के लिए आउट हूं। आई लव द प्रोडक्ट, लव द पैकेजिंग। मुझे लगता है कि जो 2000 स्टोर आप बोल रहे हो वो 2 लाख स्टोर में बेचो, देन रियल 100 करोड़ बिजनेस बन सकता है। Absolutely. मुझे लगता है उसको आप D2C करने जाओगे तो एक लॉस मेकिंग बिजनेस होगा एंड फंडामेंटली इनएफिशिएंट बिजनेस होगा। Sure. तो इसलिए फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक टू यू। आप बहुत अमेजिंग प्रेजेंटर्स हैं, आई थिंक रियली स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स, सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अनीश एंड सागर, तो हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है। अरे वेल डन। और आपके पास 2 लोग आ रहे हैं, अमन जिनको आप जान चुके हैं, ही इज अ ब्रांड बिल्डर, मैंने भी फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बड़े ब्रांड्स बिल्ड किए हैं, तो हमारा ऑफर है 70 लाख फॉर 4%। हमें लगता है कि ये बहुत फेयर ऑफर है क्योंकि आपको केवल पैसे ही नहीं,
आपको दो ऐसे शार्क्स मिल रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज, नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन बैंडविड्थ देंगे। तो इनका ऑफर आपने समझ लिया? श्योर। अब लास्ट में ही बचो तो मैं भी ऑफर दे दूं। मेरा ऑफर है 70 लाख 3.5% के लिए सोल। ये कुछ नहीं, ब्रांड नहीं बनाने वाले आपका, सब आपको बेच रहे हैं। सिंपल कहानी है, चिप्स का ब्रांड 2M बनाया है मेरी कंपनी के सीईओ ने, सुहेल समीर ने। उनसे अच्छा कोई ये बिजनेस जानता नहीं है, मैं उनको साथ ले आऊंगा। देखो मैं आपको अभी सिंपल बात बताता हूँ, वो इनका ब्रांड बनाएंगे, यू नो सीईओ ले आएंगे, वो ले आएंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर लेंगे, हम भी ले आएंगे बहुत सारे सीईओस को। फ्रेंकली स्पीकिंग, आपको भी पता है कि आपने अच्छा काम किया हुआ है, हमें भी पता है आपने अच्छा काम किया हुआ है, आपने ब्रांड बनाया हुआ है। आपको ऑफलाइन जो आप कह रहे थे ना, मेरे को उस बात से बिल्कुल I totally agree। मैं तो बताता हूँ क्यों। ऑफलाइन में क्या है ना, जब आपका ब्रांड अपने आप फेमस होएगा ना, तो आप ऑफलाइन में अपने आप रिटेलर मांगेंगे। हमारे साथ भी ये हुआ था, हमने ऑनलाइन ब्रांड बनाया था, ऑनलाइन हैवी ब्रांडिंग करो, ऑफलाइन कस्टमर अपने आप आएंगे आपके पास, अपने आप डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आके बोलेंगे कि बॉस मेरे को आपका माल चाहिए। करेक्ट। कैश प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चलते हैं। करेक्ट। अच्छी इसमें ब्रांडिंग करते हैं। और आपको दो शार्क्स मिल रहे हैं। दो शार्क की कोई वैल्यू नहीं है। अरे मेरे को एक बात बता दे, धंधा तूने बनाना है ठीक है, कम टू अस व्हेन यू नीड हेल्प, वी विल गिव यू जेन्युइन हेल्प। पर हम ये नहीं, सपने नहीं बेच रहे कि हम तेरा ब्रांड बनाएंगे, क्योंकि हमारे को खुद का धंधा भी बनाने को है। हमारे पास टीम्स है, हम खुद टाइम लगाएंगे। आप खुद समझदार हो और आपको भी पता है कि 18 करोड़ पे आपकी डील जाने नहीं वाली, आपके पुराने इन्वेस्टर ही नहीं मानने वाले। अरे आधा परसेंट एक्स्ट्रा देके कोई आसान कर रहे हैं यार, हम क्या फर्क पड़ता है। मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूं, आपके पास दो डील है, काउंटर ऑफर है तो कीजिए या तो डिसीजन लीजिए। थोड़ा दो मिनट लेकिन यहाँ पे काफी चीजें बदल जाती है, तो जल्दी आ जाना। बिल्कुल। ऑलराइट, गुड लक। थैंक यू। अमन, अमन उनको बता, ये बहुत मीन आदमी है। मैं बता, बहुत परेशान है, शार्क है वो, बहुत इंसल्टिंग है। हम प्यार से बिजनेस करेंगे, ये बता उसे। क्या प्यार की भी वैल्यू होती है? 0.5%। शरीफ लोगों की ना जगह नहीं है। मेरे को एक बात बता, तू अपना धंधा चलाएगा दूसरों का चलाएगा? तुझे क्या लेना देना है? अरे हम जब पैसा हम देखेंगे, जब आपने यहाँ तीर छोड़ा तो खुद की सोच, तब मारा दूसरा। हमें हमने पहले नहीं मारा, पहले आपने मारा फिर हमने छोड़ा। देखो सबको अपना अपना खेल खेलना है, है ना, खेल खेलो। अच्छी बात, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये सुना है ना? आओ भाई, इंतहा हो गई इंतजार की। Thank you so much for showing the faith and belief. So maybe हमारा counter offer शायद ये रहेगा कि 70 लाख 2.5%। किसको counter offer कर रहे हैं पहले ये बताइए? दोनों को। दोनों को कर रहे हो? दोनों। हमारा offer अभी simple है, you know it's negotiation, हम ज़्यादा करना नहीं चाहते। एक आधे परसेंट में ना आपको कुछ होगा ना हमारा होगा, बट यू नो जस्ट फॉर रिस्पेक्ट वी आर गिविंग यू एन ऑफर दैट विल कम डाउन टू 3% और बोथ ऑफ अस टुगेदर, दैट्स व्हाट आई कैन से। मेहनत करेंगे साथ में, मेहनत करेंगे। मेरा तो सिंपल है, 70 लाख 2.75%। आपको ऑफर देने में इतना तेल निकाल दिया उन्होंने, बाद में देखिए क्या होता आपका। तेल निकालना है तो चिप से निकालिए, तेल निकालना है तो आप पर्सनालिटी को गेज कर लीजिए, मेरे और अमन के वर्सेस इनके। बातों पे मत जाइए, बिजनेस आपका है, मैं आपको कुछ पिच नहीं मार रहा, बस मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ट्रेड चैनल को कैसे ब्रेक इन करना है, जो आपको चाहिए। आपको ब्रांड चाहिए नहीं है, आपको भी पता। मैं आपको सिंपल बताता हूँ,
आप एक 2EM के CEO को इनके थ्रू ले रहे हो, जिस तरह बोल रहे हैं ना उसी के तरफ से खा रहे हैं। आपको डिसाइड करना है इस उसके फ्रीडम चाहिए इनके, या कोई इनके हिसाब से चले। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो आगे मुफ्त की खा रहे हैं। बढ़िया, आपको कौन सा ऑफर चाहिए दिल से पूछ के जल्दी डिसीजन लीजिए। नमिता, दिल से शायद नहीं पूछूंगा, दिमाग से पूछूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अश्नीर, अगर हम 2.5% पे ये डील कर सकते हैं तो वी कैन शेक हैंड्स एंड मूव अहेड। 0.25% से शायद आपको उतना फर्क ना पड़े, लेकिन इट विल हेल्प मी गो बैक एंड बिल्ड अ सॉलिड केस एंड मेक माई करंट इन्वेस्टर्स हैप्पी एज वेल। मैं यहाँ पे किसी को कुछ करने नहीं बैठा। मैं किसी इन्वेस्टर को भी कुछ करने नहीं बैठा, मैं आपका धंधा बनाने के लिए बैठा हूँ। मेरे को लगता है कि आपको भी इन्वेस्टर को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फेयर ऑफर है, 2.75%, इनके ऑफर से बेटर ऑफर दिया है। स्टैंड अलोन खड़ा हूँ, पहले से खड़ा हूँ, तो मेरा तो स्ट्रेट है। अभी आप बोलते हैं मैं चेक लिखता हूँ। डन, लेट्स क्लोज इट। ओके, हार गए यार तुम, क्या हो गया? मार्केटिंग मार्केटिंग ब्रांड जीतने वाले को बाजी करके। चलो, दिल को तसल्ली देने के लिए जो सही सही है।